और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, न सिर्फ ईडी बल्कि आईटी के अधिकारी भी रांची में रेड पर जुटे हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची में ईडी के साथ साथ आईटी की भी कार्रवाई चल रही है। बिल्डर जांच के दायरे में है, ईडी के साथ आईटी का एक्शन रांची में देखने को मिल रहा है, जहां हीरू में बिल्डर सुमित सिंह की कंपनी पर छापेमारी की जानकारी मिल रही है। इनकम टैक्स की टीम स्प्रिंगडेल्स स्कूल पर भी जांच पड़ताल के लिए पहुंची है। छापेमारी में दर्जनों अधिकारी शामिल हैं। जमीन कारोबारियों को लेकर ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है। आपको बता दें, जहां हीनू में बिल्डर सुमित से हैं, तो वहीं जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा के भी कई ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। मोरहाबादी खेलगांव बूटी मोड़ सहित अन्य ठिकानों पर भी ईडी की टीम लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो आईटी की टीम टैक्स में चोरी से जुड़े सबूत खंगालने में जुटी हुई है, लगातार कार्रवाई चल रही है। ईडी के साथ साथ आईटी की टीम भी टैक्स में चोरी से जुड़ी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सहयोगी सूरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे रांची का रुख करेंगे और उनसे जानते हैं कार्रवाई को लेकर केंद्रीय एजेंसियों की क्या ताजा जानकारी मिल रही है। जी सूरज, देखिए, लगातार सुबह से ईडी और आईटी के टीम की दबिश राजधानी रांची के तीन ठिकानों पर बनी हुई है। मोरहाबादी की अगर बात करें तो मोरहाबादी में भी ईडी के जो अधिकारी है वो सुबह से जो जमीन माफिया है उनके ठिकानों पर रेड मार रही है। तो दूसरी तरफ रांची के खेलगांव की अगर हम बात कर लें तो खेलगांव में भी जैसा ये कहा जा रहा, शेखर कुशवाहा जो जमीन से संबंधित जो कारोबारी है उनके ठिकानों पर भी ईडी की रेड सुबह से लगातार जारी है। और कहा यह भी जा रहा कि ये दो ठिकानों के अलावे, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले राज्य हीनू के जो बिल्डर है, जो बड़े व्यवसायी है सुमित सिंह के भी ठिकानों पर सुबह से इनकम टैक्स और ईडी की टीम लगातार रेड मार रही है। कहा यह जा रहा कि ये सभी जो दो जमीन कारोबारी से जुड़े जो व्यक्ति है वो सेशायर होम के 4 एकड़ 88 डिसमिल के जो जमीन है उसमें गलत तरीके से फर्जी पेपर बना के जमीन की खरीद बिक्री करने का आरोप लगे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं। तो दूसरी तरफ सुमित सिंह की अगर हम बात कर ले तो सुमित सिंह के ऊपर भी कई आरोप लगे हैं, और खासकर सुमित सिंह एक बड़े व्यापारियों में से एक माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि सुमित सिंह को लेकर इनकम टैक्स की जो नजर है काफी दिनों से थी, लेकिन आज इनकम टैक्स और ईडी के जो टीम है दोनों के टीमों ने यहां पर सुबह 6 बजे पहुंचकर और लगातार सुबह से ही तमाम जो कागजात है वो सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी ये कह सकते हैं कि हाल के दिनों में जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई है जमीन घोटाले को लेकर, उसमें कई लोगों का जो नाम है दीपक वो सामने उभर के आ रहा है। बिल्कुल सूरज, बात बड़ी यह है कि सिर्फ ईडी की कार्रवाई नहीं चल रही, इनकम टैक्स की चोरी भी इन बड़े कारोबारियों ने कथित रूप से की है, जिसकी जांच पड़ताल आईटी भी अलग से कर रही है। तो ये दो मामलों की एक साथ जांच पड़ताल चल रही है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि दो ठिकानों पर, जैसे मैंने कहा कि ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिल रही है, तो तीसरे ठिकाने यानी हीनू में सुमित सिंह के आवास पर दो जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनके दबिश यहां पर देखने को मिल रही, इनकम टैक्स और ईडी। हालांकि देखिए, आयकर छुपाने की जो बातें हैं वो भी कहीं ना कहीं सामने आ रही है, लेकिन ये जाँच पड़ताल की बात है और क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स या फिर क्या कुछ तथ्य ईडी और आईटी के हाथ लगते हैं ये फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन कह सकते हैं कि हाल के दिनों में जिस तरह से केंद्रीय जाँच एजेंसियों की दबिश प्रदेश में देखने को मिल रही है, इसमें कहीं ना कहीं जो काले कारोबारी है उनके बीच हड़कंप मचा हुआ है फिलहाल। चलिए, तो आप भी नजर बनाए रखें स्थिति पर सूरज, फिलहाल इन तमाम अपडेट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ईडी के साथ साथ आईटी की कार्रवाई भी चल रही है।